बिना आपके मोबाइल पर ओटीपी आए स्कैमर्स ने सिर्फ मिस्ड कॉल से कैसे लूट लिए 50 लाख रुपए। क्या है ये पूरा मामला और आप इससे कैसे बच सकते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। हाँ जी, मैं अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिनोटेक का लेटेस्ट वीडियो। कुछ साल पहले तक हम में से अधिकतर लोग अपने घरों में हजारों रुपए में कैश रखते थे तो चोरों की नजर भी घरों पर रहती थी, लेकिन जब से डिजिटल पेमेंट मेथड्स जैसे इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और ई रुपए आए हैं, ये कैश हमारे घरों से लगभग पूरी तरह बैंकों में शिफ्ट हो गया है। तो चोर भी अब चोरी करने के डिजिटल मेथड्स की तरफ बढ़ चुके हैं। हम सब ने ये तो बहुत सुना है कि किसी को अपना ओटीपी ना बताएं, एटीएम कार्ड का पिन शेयर ना करें, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड कहीं पर लिख कर ना रखें। इनफैक्ट बैंक खुद ये मैसेज करते हैं कि अगर आपसे कोई बैंक में से भी कॉल करके आपका ओटीपी पूछे तो ना बताएं। लेकिन सवाल ये है कि ना तो हमारे मोबाइल नंबर पर, ना ईमेल आईडी पर और ना ही कॉल पर कोई ओटीपी आया और हमारे अकाउंट से 50 लाख रुपए गायब हो गए, छूमंतर हो गए, तो हम क्या करेंगे, है ना डरा देने वाला सवाल। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है दिल्ली के एक बिजनेसमैन मिस्टर शमशेर सिंह के साथ। पहले इनके साथ जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि इससे कैसे बचा जाए। असल में न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो 13 नवंबर की शाम 7 से 8 बजे तक उनके मोबाइल पर ब्लैंक कॉल्स और मिस्ड कॉल्स आते रहे। उन्होंने सारी कॉल्स इग्नोर की, लेकिन एक कॉल उन्होंने उठा ली पर दूसरी तरफ से कोई आवाज आई नहीं और उसके बाद कुछ ही देर में उनको अपने बैंक से पैसे डेबिट होने के मैसेज आने लगे और उनके अकाउंट में से 50 लाख रुपए निकल गए। इस केस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने बताया कि उनके अकाउंट से आरटीजीएस के थ्रू अलग अलग अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं। साइबर क्राइम यूनिट इस मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं कि ये सब कैसे हुआ होगा। पुलिस की माने तो इस तरह के मनी ट्रांसफर मामले में सिम स्वैपिंग का यूज किया गया है। इसमें स्कैमर्स आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड सिम को किसी तरह एक्सेस कर लेते हैं और उसी नंबर का दूसरा सिम क्रिएट कर लेते हैं, के बाद ओरिजिनल सिम बंद करवा देते हैं और डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट कर देते हैं। ये कैसे करते हैं, आपका सिम वाला वो बंद कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको बार बार कॉल करके, मिस्ड कॉल करके, ब्लैंक कॉल करके आपको परेशान करते हैं। इस हद तक परेशान करते हैं कि आप किसी तरह अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें और जैसे ही आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं बैंक की तरफ आने वाला ओटीपी आपके नंबर पे ना आके आपके नंबर से बने हुए डुप्लीकेट नंबर पर चला जाता है जो नंबर उनके पास रहता है। तो ये तो हो गई केस स्टडी। अब बात ये आती है कि हमें इससे कैसे बचना है। हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो देखिए, इससे बचने का ना कोई स्पेसिफिक तरीका तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मोबाइल नंबर पर अगर कॉल्स या मैसेज नहीं आ रहे हैं तो इमीडिएटली अपने मोबाइल ऑपरेटर से बात करें। बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल की वैलिडिटी कभी खत्म ना होने दें। टाइम पर रिचार्ज करते रहें, क्योंकि अगर आपके नंबर का रिचार्ज प्लान एक्सपायर हो जाता है तो आपका मोबाइल ऑपरेटर ही मैसेज और कॉल्स की इनकमिंग आउटगोइंग बंद कर देता है, तो ऐसा कभी नहीं होने दें। इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड कहीं पर भी लिख कर ना रखें, फिर भी आप याद नहीं रख सकते हैं। आपको अगर लिखना ही पड़ेगा तो उसे कभी भी पूरा ना लिखें, कुछ पार्ट आप उसका स्किप कर देना जो आप याद रख सको, जिससे अगर वो किसी स्कैमर तक पहुंच भी जाए तो उसके किसी काम ना आए। ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, चाहे सामने कोई भी हो। बहुत ज्यादा आपके पास मिस्ड कॉल्स या ब्लैंक कॉल्स आ रहे हो तो तुरंत अलर्ट हो जाना और अपना मोबाइल भूल के भी स्विच ऑफ मत कर देना। अपना मोबाइल नंबर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ना करें जहां से कोई भी आसानी से उसको एक्सेस ले पाए। आई होप इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए फिनोटेक के साथ। टेक केयर, अलविदा।